हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो है आपका पेपर सेकंड जो आपका है मैकेनिक्स से, उसमें एक दो पार्ट्स में स्टैटिक्स है और डायनेमिक्स है। तो स्टैटिक्स में एक चैप्टर आपका है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल के जो भी के पॉइंट है एग्जाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, पहले इस वीडियो में हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। तो सारे पॉइंट अच्छे से आप नोट्स कर लीजिएगा, इसी के कंसेप्ट पे जो है आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाकी नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर आपका है। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं स्टैटिक्स का पोर्शन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, ये तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है आपका स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। पहले समझते हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन राइट करेंगे। और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीन तरह के जो है आपके क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, तो स्टेबल का मतलब क्या हुआ समझिए। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया, कोई भी बॉडी है उस पर आप फोर्स कर रहे हैं, जो डिस्प्लेस होगा अगर उस बॉडी में, और फिर से उस क्या करें, वो अपने इनिशियल पॉइंट पे अगर बॉडी आ जाता है तो हम कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक बार और सुनिए, अगर कोई बॉडी है उसमें डिस्प्लेस होता है, मतलब फोर्स लगाया जाए तो डिस्प्लेस होता है और फिर से वो बॉडी क्या हो उसी पोजिशन पे आ जाए, तो हमारा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक वेसल है, इसमें एक बॉल रखा गया है, यहाँ पर बॉल रखा गया है, और यहाँ से आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, हाँ, कोई फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, तो ये बॉडी जो है, ये स्पेयर जो है यहाँ से फिर से क्या करेगा, यहीं पर आ जाए, या आप इधर भी आप इसको अगर फोर्स लगा के अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से ये बॉडी क्या आ जाएगा, अपनी उसी पोजिशन पर आ जाएगा। तो ये इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया आपको। अनस्टेबल देखिए, अगर इसी वेसल को इस तरह से कर दिया जाए, है ना, और यहाँ पर कोई बॉल रखा गया स्पेयर रखा गया है, अब यहाँ से इसको हम डिस्प्लेस कर दें इधर, तो ये अपने ओरिजिनल यानी इनिशियल पोजीशन पे ये नहीं जाएगा, यानी जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका है वहाँ पे ये नहीं जाएगा। और इसमें स्टेबल में क्या था कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यहाँ पर कोई बॉल है इस पर आपने फोर्स लगा के इधर किया, फिर से ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल का मतलब यह है, कोई भी बॉडी है उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी में डिस्प्लेस होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा, तो वो क्या होगा, अपने पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो नहीं आता है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे इस यहाँ पर देखिए, ये कोई हमारा क्या है, वेसल टाइप का है, और यहाँ आपने एक बॉल रखा, यहाँ से हमने फोर्स लगाया इस पर, तो ये इधर आ गया, लेकिन क्या फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में जा पाएगा, ये इनिशियल पोजीशन में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ भी आप इस तरह से कर सकते हैं, तो ये जो है, ये बॉल जो है, अगर इधर आपने फोर्स किया लगाया तो डिस्प्लेस हुआ इसमें, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि आप उस पर कोई बॉडी है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो जो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें चेंज ना हो, वो इक्विलिब्रियम में ही रहे, होना नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई प्लेन है, इस पर आप कोई बॉल है, इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उसी पोजीशन में ये रहेगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगा, यानी इस पर फोर्स भी लगाएं तब भी वो क्या हो, उसी पोजीशन में रहे, इनिशियल पोजीशन में ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये इक्विलिब्रियम जो है थ्री टाइप्स के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका हम डिफिनेशन राइट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम समरी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी जाएंगे, और जितने मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एग्जाम में मैक्सिमम चांसेज हैं को मिल जाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखते हैं डिफिनेशन, देखते हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन क्या है। देखिए, अनस्टेबल क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और क्या हो रहा है, स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, उस
बॉडी पे जो फोर्स लगेगा टेंस टू मेक इट रिटर्न टू वर्ड्स इट्स पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या होगा अपने ओरिजिनल मतलब जो उसका इक्विलिब्रियम पोजिशन है तो फिर से क्या आ जाए उसी पोजिशन में आ जाए जिस पोजिशन में इक्विलिब्रियम पोजिशन में था वो पहले था। यानी कोई भी बॉडी है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो जो भी डिस्प्लेस हो रहा है स्लाइटली डिस्प्लेस होगा तो और फिर फोर्स लगने के बाद फिर से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ जाए तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा आ रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्लाइटली डिस्प्लेस हो अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन से। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टेंस टू मूव, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मूव द बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी जब भी उस बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो जो भी उसका स्लाइटली डिस्प्लेस होगा लेकिन वो अपने पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये हमारा कोई वेसल है और उस पर हमने एक बॉल रखा है उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस होकर इधर आएगा लेकिन क्या फिर से अपने ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर सच दैट दे कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इन एनी स्लाइटली डिस्प्लेस पोजिशन। हाँ, मतलब कोई भी बॉडी इस पर आप फोर्स लग रहा है तो स्लाइटली डिस्प्लेस होगा, कोई भी डिस्प्लेस होगा फिर से वो क्या हो जाए उसी अपने पोजीशन में आ जाए, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो तीनों डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्टॉप करिए और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन और इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो MCQ क्वेश्चन से उसी से बनेंगे, उसी जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाएगा यहाँ पे उसी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट जो हमारा है बॉडी विथ 1 डिग्री फ्रीडम, ये और इससे रिलेटेड एक क्या है आप थ्योरम भी कह सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं बॉडी विथ 1 डिग्री फ्रीडम क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी 1 डिग्री फ्रीडम इफ द बॉडी इज सो कॉन्स्टेंट दैट ओनली वन ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। यानी वो क्या होगा, बॉडी क्या होगा कॉन्स्टेंट कब होगा, जब उसकी जो क्वांटिटी होगी केवल ओनली वन ज्योमेट्रिकल होगी, इज रिक्वायर्ड टू फिक्स इट्स पोजिशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बॉडी विथ 1 डिग्री फ्रीडम है। अब इसका कई कंडीशन है कि कब वो स्टेबल होगा, तो मैक्सिमम होगा तो कभी अनस्टेबल होगा, मतलब अनस्टेबल स्टेबल कंडीशन इसमें है, समझते हैं इसको। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी विथ 1 डिग्री फ्रीडम क्या कंसिडर किया गया, लेट द ज्योमेट्रिक क्वांटिटी टू थीटा, क्या लिया गया है थीटा, विच इज रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द बॉडी, विच इज रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी इज मूव्स फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड। क्या करेगा, बॉडी मूव करे हाँ पोजिशन टू इट्स न्यू पोजिशन देन वर्क डन। यानी कोई भी बॉडी है अगर मूव कर रहा है अपने इनिशियल पोजीशन से न्यू पोजीशन तक तो कुछ ना कुछ उसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देन वर्क डन इज गिवेन बाय क्या, W=F थीटा। थीटा हमारा क्या है इसमें, क्या जो किया गया है ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है थीटा। ठीक है, देन अब यहाँ के बाद से इम्पोर्टेंट है ये जो भी कंडीशन लिखा गया है इससे MCQ पूछा जरूर जाएगा। देन द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम आर, क्या कंडीशन होगा W=F थीटा हो तो
थीटा इजकल टू थीटा मान पुट करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे एफ को, तो उसको हम जीरो करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ डैश थीटा वन इजकल टू जीरो, एंड थीटा को थीटा वन से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद दूसरा कि अगर डबल डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डब्ल्यू इजकल टू एफ थीटा, यहाँ थीटा बराबर थीटा वन, कोई कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। अगर यहाँ एक बार डेरिवेटिव करते हैं यहाँ से जीरो करके, यहाँ से आपको थीटा वन की वैल्यू जो है डबल डेरिवेटिव रखेंगे और थीटा बराबर थीटा वन जब पुट अप करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि हैंस इन द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम वर्क डन डब्ल्यू इज मैक्सिमम, है ना। अगर वो डबल वर्क डन उसका मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। वर्क डन अगर उसका मैक्सिमम हो जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सिमिलरली अगर इसका द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इफ द वर्क डन इज मिनिमम, अगर अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। अगेन इफ डब्ल्यू इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम द इक्विलिब्रियम इज आइदर न्यूट्रल आर अनस्टेबल। अगर ना वो मैक्सिमम हो रहा है उसका वर्क डन और ना मिनिमम हो रहा है, तो उस केस में या तो न्यूट्रल होगा या तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अनस्टेबल होने के लिए W जो होगा यानी वर्क डन उसका क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम होने के लिए यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करेंगे, जीरो करेंगे, वहाँ से थीटा वन की वैल्यू मिलेगा, वो थीटा वन की वैल्यू अगर डबल डेरिवेटिव में रख देंगे अगर लेस देन जीरो आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा वर्क डन उसका। अगर ये यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो अनस्टेबल होगा, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी वर्क डन उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो तीन पॉइंट्स है यहाँ पर देखिए, हैंस पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम वर्क डन इज मैक्सिमम, हाँ वर्क डन उसका अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्क डन उसका मिनिमम होगा तो अनस्टेबल क्या हो जाएगा, अगर नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम मिल रहा है उस केस में हम कह सकते हैं न्यूट्रल है और नहीं तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बॉडी विथ वन डिग्री फ्रीडम में इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वही समझते हैं नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट फॉर नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। द पोजिशन इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ के इज आइदर मैक्सिमम आर मिनिमम इफ इट इज मिनिमम द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, कह रहा है कि अगर जो है पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या है, के है, इज आइदर मैक्सिमम आर मिनिमम इफ इट इज मिनिमम द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड इफ इट इज मैक्सिमम द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, यानी जब भी टोटल उसका बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैक्सिमम है तो वो अनस्टेबल होगा पोटेंशियल एनर्जी, हाँ किसकी पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी बॉडी का अगर उसके पोजीशन में है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर वो मैक्सिमम हो गया मिनिमम हो गया तो हमारा स्टेबल होगा, अगर मैक्सिमम हो गया तो अनस्टेबल होगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब एक जेड टेस्ट हम पढ़ेंगे, जेड टेस्ट फॉर नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। जेड इजकल टू एफ थीटा, ठीक है। क्या करेंगे आप थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो करेंगे, तो यहाँ थीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी। सपोज मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है या थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री है, तो यहाँ से डबल ड्यूटी जब करेंगे इसमें जिस वैल्यू चेक करना हो, जिस पॉइंट पर चेक करना हो, अगर यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, रखेंगे पुटअप करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आता है तो स्टेबल होगा,
अगर लेस देन जीरो आएगा तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। अगर सपोज मान लेते हैं डबल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में जीरो आ गया तो हम इसका थ्री टाइम डेरिवेटिव करेंगे, बट जीरो आ गया बट इसका थ्री टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जीरो नहीं आ रहा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल होगा, अगर जीरो आ गया अब बट उसका थ्री टाइम डेरिवेटिव किया हमने जेड को थीटा के रिस्पेक्ट में तो जीरो नहीं आ रहा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इफ अगर थ्री टाइम डेरिवेटिव भी जीरो हो गया यानी डी थ्री डी जे डिवाइड बाई डी थ्री डी थीटा क्यू इजकल टू जीरो तो हम उसको फोर टाइम डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी फोर डी जे डिवाइड बाई डी थीटा फोर ग्रेटर देन जीरो तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अगर लेस देन जीरो हो गया तो वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट है, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन या इसके क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं, आप फिलहाल वीडियो स्टॉप करिए, अच्छे से इसको राइट डाउन करिए, ओके। तो ये देखते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन हमारा है, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम इन जनरल फॉर्म, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर देखिए, इफ द पोर्शन ऑफ द स्पेयर इन कॉन्टेक्ट आर नॉट स्पेयर, क्या कर रहा है, द पोर्शन ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट आर नॉट स्पेयर बट सरफेस ऑफ रेडियाई ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, क्या है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर स्मॉल आर, देन इक्विलिब्रियम आर कब स्टेबल होगा, ये कंडीशन है, प्रूफ बुक में है, देख लीजिएगा। प्रूफ मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, कंडीशन बता जिससे हम सी की क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है। तो स्टेबल कब होगा, वन बाई एच ग्रेटर देन वन बाई स्मॉल आर प्लस वन बाई कैपिटल आर, इस कंडीशन में जो है आपका स्टेबल होगा। अनस्टेबल क्या होगा, वन बाई एच लेस देन वन बाई कैपिटल आर प्लस वन बाई स्मॉल आर, इस केस में क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। व्हेन दिस इनक्वालिटी फेल, व्हेन एच इजक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर प्लस वन बाई स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्पेयर के, ठीक है। द इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अगर ये कंडीशन इक्वल हो जाए वन बाई एच इजक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर प्लस वन बाई स्मॉल आर, तो उस केस में इक्विलिब्रियम जो हो जाए न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो इतना बेसिक कंसेप्ट जो है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भी हैं, ठीक है, तो इतना आप एटलीस्ट जानेंगे तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है जो है डिस्कस कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए, इसी के बेस में एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।